और आलू हमारे बन चुके हैं और ये हमारा धनिया कट चुका है और इधर जो है ग्रेवी बन चुकी है और इसके अंदर पनीर है जो आपको दिखाया नहीं जाएगा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जी ब्लॉग यूके में। तो आज है भाई का बर्थडे, मेरा पहला बर्थडे है। तो फर्स्ट बर्थडे में जो है सुबह से 6 बजे से मैं यहाँ पे भाई के बर्थडे की तैयारी के लिए आ गया हूँ और ये देखो सुबह से 2 गुब्बारे मैंने फुलाए और काफ़ी सारे जो है वो ख़राब निकले, हवा निकली हुई, और मैं यहाँ पे अकेले फुला रहा हूँ और ये तीनों लगे हैं यहाँ पे, एक हैप्पी बर्थडे ये तीनों अकेले लगे हैं और अभी तक इनका नहीं बन पाया और मैं यहाँ पे अकेले गुब्बारे पे गुब्बारे फुलाते जा रहा हूँ। तो जो है अभी भाई को भी दिखाएंगे जिसका बर्थडे है और ये मंदिर हो गया और वामा होगी अंदर को देख लीजिए कि कैसी तैयारी चली है। हमने तैयारी करने का फैसला लिया है तो देखते हैं कैसा होता है, अभी दिखाता हूँ आपको बर्थडे का। ठीक, पहले मैं ज़रा गुब्बारे फुला लेता हूँ। गुब्बारा खुल चुका है हमारा, तो अब पानी जो है 6 बजे से आया और तीन गुब्बारे जो खुला है उसमें से भी एक फोड़ दिया है। हेलो गाइस, ये गुब्बारे फुला रखे हैं, ये गुब्बारा तैयार हो गया है हमारा बर्थडे के लिए। लग चुका है दीवार पे पोस्टर और ये हमारे टोपी बनाने वाले हैं, बड़े गुब्बारे पे हम फुला लेंगे। हमारे पेट में बहुत हवा है तो पहले इसको इसके अंदर टॉफी भी डाली जाएगी। तो गाइस यार हवा मेरी बर्थडे को विश करने वालों का तांता लगा है गाइस, बाहर पे बहुत हल्ला हो रहा है, अंदर सुनाई दे रहा है। हम 3 कमरे बाहर अंदर हैं और वो इतना लिख चुके हैं, मैंने इतने सारे गुब्बारे फुला लिए हैं मंदिर में फुलाते फुलाते। मैं तेल भर के तैयार है, बस जलाने की देर है और एक टोपी को नहीं सुधार पा रहे हैं, मैं टोपी को सुधार रहे हैं। बच्चे की भैया का पहला बर्थडे है, इनके भी भैया का पहला बर्थडे है, तो ये बच्चे भैया की टोपी सुधार रहे हैं अपनी भैया के। तो गाइस यार मिलते हैं अभी थोड़ी देर छोटे से ब्रेक के बाद, अब तक कहीं मत जाइए, यहीं देखते रहिए। जिस व्यक्ति का हमें इंतजार था वो हमारे ये हैं घनानंद जी और साथ में कौन है दीदी। तो गाइस इन्हीं का इंतजार था हमें कब से इन्हीं का इंतजार था, इन दोनों का इंतजार। ये 4 चांद लगाने आए हैं, भले ही 2 हैं पर 4 चांद लगाने के बर्थडे में आ गए हैं यहाँ पे। तो क्या बोलेंगे घनानंद बताइए, दीपांशु बोलिए, कुछ तो बोलिए बोलिए, आपको कैसा लग रहा है बर्थडे में आके? जिनको बहुत अच्छा लग रहा है बता रहे, कैसे से बताऊं अपने विचार व्यक्त करने में बहुत ही जो है कुचित महसूस कर रहे हैं। तो मिलते हैं पार्टी में आपको, ब्रेक लेते रहेंगे हम। ढोलक की जिम्मेदारी मेरे सर पे है और तैयारी फिक्स हो चुकी है और हमारी छोटी आगे आगे छोटी रिया ये सबसे हमारी भक्ति में भक्ति माँ मंगाना होने के लिए तू यहाँ जूते पहन के आया, चल उधर जा।
कोई देखने वाला नहीं है, सब अपने अपने में मस्त हैं। और ये बावर्ची और एचएम करने वाले बात कर रहे हैं। ये वो आसमा पर डालने तो यूट्यूब में जाएगा, यूट्यूब नाम को मार मेरी तो मत। हाँ ये बड़ा गाइस तो ऐसे देखते हैं ये हमारे साथ यूट्यूब में जाएगा। और यहाँ तो तैयार हो चुके कट कुट के, और ये पनीर बनने को तैयार है, बस कट रहा है अभी। नमस्कार पांडे जी, दोनों का बर्थडे है आज, दोनों हमने पार्टी के आए आए हैं। अब पार्टी के लिए हमने वेटर रखा है, एचएम से लोकल कहाँ से बता नहीं, रास्ते से पकड़ के लाए इसको, कोई कल उसको आलू काटने नहीं आ रहा है गाइस यार, आलू काटने नहीं आ रहे हैं। अब कौन सा आलू के एक गुटके बना रहे हैं आज, सब्जी वाले आलू काट रहे हैं, गुटके बना रहे हैं और ये सब्जी वाला आलू काट रहे हैं। अब क्या क्या ही छतरी वाले आ गए हैं जो भी रास्ते से पकड़े हुए हैं। अब इसमें अंतर ही क्या हुआ, वो भी वो ऐसे काट रहा था पहले, उसने चार टुकड़े किए। और कोई बात नहीं गाइस, इनको पता नहीं है ये सब्जी वाले आलू काटना है, गुटके बन रहे हैं। हाँ इनको पता नहीं है, अरे गुटके वाले आलू काटना है यार, सब्जी वाले थोड़ा ना काटने हैं, सब्जी वाले नहीं काटने भैया, गुटके वाले आलू काटने हैं, गुटके वाले आलू। हेलो हेलो, गुटके वाले आलू काटो, सब्जी वाले नहीं। हाँ अभी थोड़ी इनको पता चल, देखो यार एक जो कोई आलू होता है काटने के, ऐसे कोई आलू काटता है ये देखो गाइस, ऐसे कोई आलू काटता है, अच्छे से आलू काटने। और यहाँ बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं, अपने बर्थडे की तैयारी खुद ही कर रहे हैं ये। और ये गाइस गाइस आइए मिलिए हमारे टॉमी जी से, टॉमी से मिलवाते हैं। हेलो 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 टॉमी, ये देखिए टॉमी देखिए हम पे ही बोल रहे हैं, अब क्या भाई बताएं, वो आ रही वो आ रही बोल। हेलो गाइस तो उधर बोल रहे हैं गाइस और 500 गाइस। और ये बनाए हैं पनीर के लिए, मटर जो है उबालने को रख दिए हैं क्योंकि पनीर मटर बनता नहीं है। तो देखो गाइस हमें 300 की स्पीड से गाड़ी हमारी बड़ी है, ओहो फिर से गाइस ये गर्म होने लगे और उबलने लग गया। तो मटर हम यहाँ पर बनाएंगे और आलू हमारे बन चुके हैं, और ये हमारा धनिया कट चुका है, और इधर जो है ग्रेवी बन चुकी है, और इसके अंदर पनीर है जो आपको दिखाया नहीं जाएगा। ये पनीर के पैकेट दिखा दूँगा, ये पनीर कटे हुए हैं कच्चा है, और अभी इतने आलू और काटने में हैं, तो इतने आलू काटोगे उसके बाद। और ये एक दूसरे को समझाने में लगे हैं, काटने दोनों को नहीं आते पर समझाने में एक दूसरे को। ये देखो गाइस क्या बोल रहा है, ये रास्ते में इसमें समझाने सुनने बोल रहे हैं मैं मार खाएगा। तो गाइस ये हमको बता रहे हैं, हमको मार खिलाने के बाद बाहुबली को। गाइस ये देखो अब ये उसमें डाल दिया गाइस, ये तो बहुत ही खराब आदमी है, घटिया आदमी, वो नीचे गिरा हुआ आलू उसमें मिक्स कर दिया। आप देखो गाइस ऐसा थोड़ा ना चलेगा यार, कुछ नहीं होता बोलते हैं, बहुत सारे कीटाणु है उसके अंदर, इसको पता नहीं है। पहले डिटॉल डिटॉल खिलाना है, वो तो मैं हाथ दूंगा डिटॉल से। तो हमारे यहाँ पे मटर जो है उबल चुके हैं, और ये मेरा कैमरा पहले धो लिया। ये गाइस ये क्या कर रहा है गाइस, समझ में नहीं आ रहा है।
ये मटर उबल रहा है। ले ले चल अच्छा चल।